वेलकम फ्रेंड्स, आप वॉइस ओवर में करियर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको 5 स्टेप्स बताए जाएंगे। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो ढंग से तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो और वॉइस ओवर में करियर बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप, आपको स्क्रिप्ट रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। वॉइस ओवर के अलग अलग कैटेगरीज को समझना होगा, जैसे ई लर्निंग, नरेशन, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ऑडियो बुक्स, IVR, इसके अलावा स्टोरी टेलिंग। तो अलग अलग कैटेगरीज को समझिए, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट रीडिंग की हैबिट डालिए। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, ये आप अपनी सेल्फ लर्निंग के जरिए भी सीख सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिस करिए और सेल्फ एवेल्युएशन के जरिए आप धीरे धीरे इस हैबिट में आ सकते हैं। या फिर उससे भी बेहतर ऑप्शन, आप एक वर्कशॉप अटेंड करिए जिसको कंडक्ट किया हो किसने, एक सीनियर प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने। तो आप वर्कशॉप अटेंड करिए, एक हफ्ते की, एक महीने की वर्कशॉप हो सकती है, उसमें आपको स्क्रिप्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हो सकता है आपको स्टूडियो में बुलाया जाए, वहां पे आपको प्रैक्टिस कराई जाए, उसके बाद आपके डेमो सैंपल्स भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो ये पहला अप्रोच है, स्क्रिप्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करना और माइक्रोफोन के सामने किस तरह से रिकॉर्ड करना, मतलब एक हिसाब से क्या फ्लो होना चाहिए अलग अलग जॉनरा के हिसाब से, और ऑब्वियसली उन भाषाओं जिन भाषाओं में आपकी पकड़ हो। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप ये है, आपको ऑडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। जैसे सिंपल ऑडेसिटी फ्री सॉफ्टवेयर है जिसपे आप ऑडियो को एडिट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। इससे होता क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग पर भी असर पड़ेगा। अगर आपको ऑडियो एडिटिंग की पूरी प्रोसेस पता है, जैसे कट कैसे करते हैं, इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, ब्रीदिंग कैसे हटाते हैं साउंड में से, जो भी वेवफॉर्म्स होते हैं, मतलब जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसमें से ब्रीदिंग कैसे हटाते हैं, नॉइज कैसे हटाते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते अगर आप कहीं पे अटक गए या फिर आपने कोई सेंटेंस को गलत तरीके से पढ़ लिया, तो आप वहां पे निश्चित हो जाओगे कि ठीक है भाई, इसको तो कट करना है। आपने थोड़ा पॉज लिया और आगे की लाइन से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब बेशक आप प्रैक्टिस के लिए अगर वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और हाँ, ऑडेसिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कौन से सारे इफेक्ट्स होते हैं, इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें इस चैनल पे बताई गई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक, लगभग 8 वीडियो हैं जिसमें बताया गया है ऑडेसिटी को स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। तीसरा स्टेप, आपको माइक्रोफोन परचेज करना है, आपको एक होम सेटअप अपना डेवलप करना है। माइक्रोफोन भी कौन सा परचेज करना है वो भी आपको इस चैनल पे बताया गया है, उसका भी लिंक जो है, मतलब कौन से माइक्रोफोन्स परचेज करने चाहिए आपके बजट के हिसाब से, होम सेटअप के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सारी चीजें हैं आपकी, मतलब जो भी सराउंडिंग्स हैं, आपका बजट है, सारी चीजों के हिसाब से आपको सब जो बताया गया है प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एक स्टूडियो हायर कर सकते हो। आप अपने जो भी आपके घर के पास स्टूडियो हो वहां पे जा सकते हो, साउंड इंजीनियर से बात कर सकते हो कि मतलब आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट रहेगी स्टूडियो की, और उससे आप शुरू कर सकते हो। जब आप इसके जरिए, इस प्रोसेस के जरिए अगर आप एटलीस्ट कुछ कंसिडरेबल अमाउंट अगर अर्न कर चुके हो, जैसे 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तक आपने मतलब कमा लिए वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स के जरिए, जो आप एक स्टूडियो से डिलीवर कर रहे थे, उसके बाद आप सोच सकते हैं अपना खुद का एक होम स्टूडियो डेवलप करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप्स क्लियर है, 3 स्टेप्स क्लियर है। जो चौथा स्टेप है वो ये है, वॉइस ओवर डेमो सैंपल्स प्रिपेयर करना और अपने आप को मार्केट करना। सबसे पहले वॉइस ओवर डेमो सैंपल्स प्रिपेयर करे जाए अलग अलग कैटेगरीज में, जिन भाषाओं में, जिन लैंग्वेजेस में आपकी फ्लुएंसी हो, इनमें डेमो सैंपल्स प्रिपेयर करे जाए और कंपनीज को आउटरीच किया जाए, मार्केट किया जाए अपने आप को। वॉइस ओवर मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी इस चैनल पे बताया गया है, उसके भी जो लिंक्स हैं वीडियो के वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आखिरी स्टेप, प्राइसिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको कि अगर आपके पास कोई काम आता है, आपने इतने सारे स्टेप्स को फॉलो किया, आपने मेहनत की, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक आपने मेहनत की, आपने वॉइस ओवर स्किल को डेवलप किया, आपने ऑडियो एडिटिंग सीखी, आपने इक्विपमेंट्स परचेज की या फिर आपने कोई स्टूडियो हायर किया, ये सारी चीजें आपने की, आपने वॉइस ओवर डेमो सैंपल्स प्रिपेयर करे, अपने आपने अपने आप को मार्केट किया, ये सब करने के बाद प्राइसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है तो प्राइस कितना करना है, कितना चार्ज करना है मिनिमम अमाउंट हर कैटेगरी के हिसाब से। तो प्राइसिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया गया है पहले इस चैनल पे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। और ओवरऑल
वॉइस ओवर में अर्निंग कितनी है, आपने करियर के बारे में तो सोच लिया कि आपको अगर वॉइस ओवर में करियर बनाना है अर्निंग कितनी है, तो अर्निंग मतलब वॉइस ओवर से कितना अमाउंट कमाया जा सकता है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।